हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल रवा इडली। ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है और ये खाने में भी टेस्टी होती है, साथ ही में ये हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए हमने रवा लिया हुआ है यानी सूजी, एक कटोरी दही और कुछ वेजिटेबल्स लिए हुए हैं। अब एक बड़े से बॉल में हम पहले रवा को डाल देंगे, इसके साथ ही हम इसमें दही भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालते हुए हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिला के हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स को डालेंगे, जिसमें हमने हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और धनिया पत्ता लिया हुआ है। 15 मिनट रेस्ट करने के बाद इसमें हम अपने सारे वेजिटेबल्स को एक एक करके डाल देंगे। सबसे पहले हम धनिया पत्ता डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे, हरी शिमला मिर्च डालेंगे, कटी प्याज डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। एक चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इडली की प्लेट्स को हमने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें अपने बैटर को डाल देंगे। तो ये हमने सारे प्लेट्स को भर के रख लिया है। अब हम इसे इडली मेकर में डाल देंगे। इडली मेकर में हमने पानी को पहले ही उबालने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें इडली स्टैंड को डाल देंगे और कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट में ये इडली हमारी बनके तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा लिया है। तो ये देखिए, ये हमारी मिक्स वेजिटेबल रवा इडली बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही अच्छी बनी है हमारी इडली। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, सारे वेजिटेबल्स भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। हमने इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।